मैम, और सवाल आपको ही पूछना है। मैम मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ, अभी जो स्ट्राइक चल रही है उसके लिए अभी मैं पॉइंट से डाइवर्ट ना होते हुए, जो बड़े बड़े टीचर हैं हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि वो सब आए हमारे साथ बैठें, प्रेशर तभी क्रिएट होगा ना, और सोशल मीडिया कैंपेन में हमारा साथ दें। ठीक है सर, देखिए आपसे साथ की भी मांग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें आपसे उम्मीद है बहुत। सर मेरा सवाल आपसे ये, हमारे पास समय खत्म हो रहा है और ये मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप चार दिन बाद आए हैं, आप यहाँ पर भी आए हैं, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, आप हर जगह मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वो चार दिन जब आप नहीं आए आपको उसका अफसोस है? आपको आना चाहिए था या आपको सोशल मीडिया पर कुछ कहना चाहिए था? क्या वो एक थोड़ी सी चूक हुई? लोगों ने इतना ट्रेंड करवाया, इतनी गाली दी मेरी माँ, सुन लीजिए मैं तो कोई बिजनेसमैन हूँ नहीं, मैं तो कल बंद कर दूंगा सब कुछ उठा के। मैं तो सीधी एक बात इनसे ये कहता हूँ, अगर तुम्हें बुलाना ही था, मेरी माँ इस वक्त 85 की है, उसको जाके उसके वकीलों ने कहा कि तुम्हारे बेटे की कोचिंग में लड़के मरे हैं। अरे ऐसे कैसे वकीलों की गलती है? तुम किसी के बेटे को पोर्ट्रे कर रहे हो कि इनकी वजह से अवध हो जा, जिस आदमी की कोचिंग में, जिस आदमी की कोचिंग में कांड हुआ है, जिस आदमी की कोचिंग में कांड हुआ है, ना तुमने उसकी फोटो निकाली, ना तुमने उसका नाम निकाला, ना तुमने उसको पब्लिसाइज किया। लेकिन अब तुम्हें तो पकड़ना, ठीक है तुम्हें बुलाना था हमें, पर ये तरीका है बुलाने का कि आप किसी आदमी को, हाँ तो ये कोई रुक जाए, जवाब सुनिए, पहले जवाब सुनिए फिर मैं सवाल लूंगी। जी रुक जाइए, एक मिनट, बिना माइक की आवाज दी जाएगी, बोलिए सर। एक्चुअली हम आपको बहुत फॉलो करते थे, आपको देख करके शायद मैं यूपी से यहाँ आई थी, आप हमारी इंस्पिरेशन रहे हो, तो हमें आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, ना ही हमने गाली दी, मे बी सर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हो। एक बहुत सीधी सी बात है जो बात तुम हमसे यहाँ कह रहे हो, अब इन चेहरों को तो मैं देख रहा हूँ ना कि ये चेहरे बैठे हुए हैं, इन्हें तो मैं पहचान रहा हूँ, मैं बिना किसी को जाने कहीं पे कैसे जा सकता हूँ, तुम बस मुझे यही बात बता दो। लेकिन अवध सर मैम दिस शो इज नॉट अबाउट अवध होजा सर, प्लीज मैम जो हमारे मुद्दे हैं प्लीज एक बार उनको रैप अप करो उनके बारे में। सर अभी जो हो गया मैं ये कहना चाहता हूँ आपके शो के माध्यम से, हम लोग कल पानी भरे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे लोग, हम चाहते हैं उनको कंपनसेशन मिले 5 करोड़ रुपीज ईच, है ना, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ FIR हो, जो जांच है उसमें पारदर्शिता मेंटेन नहीं की गई है। सर आप लोगों से अपील है कि आज आप लोग जाके ट्वीट करें कि उनको ये सब हमारी जो डिमांड्स है वो सब आप लोग चलेंगे, पहले सुन लीजिए उनको पूरा। जी बोलिए मैम, मैं इनके साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ, मैं इनके साथ प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं इनके साथ केंद्र के प्रतिनिधि से मिलने के लिए तैयार हूँ, ये पर वो चीज़ सिस्टमैटिक होनी चाहिए मैम। ये हमारे साथ चले, मैं प्रदेश के जो नेता हैं उनसे मिलूंगा, इनकी डिमांड इनके सामने रखूंगा। हम भी चलेंगे, आप भी चलिए, हम भी चलेंगे, हम ग्राउंड जीरो पे भी जाएंगे, आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, वो कह रहे हैं वो, और वो साथ में भी जाएंगे, TV9 भारतवर्ष भी जाएगा। रुक जाइए एक एक करके। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी टीचर को अब रोस्ट ना किया जाए, क्योंकि अब हम लोग को समस्या का समाधान चाहिए, और इसलिए मैं अवध उदय सर से भी आग्रह करना चाहता हूँ, और जितने भी टीचर जो अभी तक ग्राउंड पर नहीं आए हैं वो इनकी जो शिकायत है वो जायज है मैम, ठीक है, अब ग्राउंड पर नहीं आए तो हम इनको रोस्ट नहीं करेंगे, कोई भी आपसे गिला शिकवा नहीं है सर, आप गुरु थे, आप हमको ज्ञान देते आए हैं और हम ज्ञान लेते हैं, और गुरु हमेशा गुरु रहता है, वो बदलता नहीं है। जी तो आगे आप हमको अब लगातार कोऑर्डिनेट करिए। और मेरी अपील छात्रों से भी है, इन छात्रों से भी है, TV9 भारतवर्ष की भी अपील है। देखिए सुनिए आपने सर की भी सुनी, आप सुनिए कि आप विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में ऐसा ना लगे कि सिर्फ विकास दिव्य कीर्ति या अवध ओझा जी ही जिम्मेदार है इसके लिए, या उन्हीं को कटघरे में खड़ा करना, ये भी भाव नहीं जाना चाहिए।